जाना है आज पीजीआई। तो जी चलते हैं, हम दोनों हो गए तैयार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी है, अब है सुबह का समय और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और लंच भी बच्चों के लिए तैयार करूँगी। और सुबह के लगभग 6 बजे हुए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ ऐसी सब्जी बनानी होती है, राजमा वगैरह, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और जल्दी भी उठना पड़ा है फिर जो भी ऐसी सब्जी बनाते हैं। और आज मुझे जाना भी है कहीं, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि सारा काम जब भी कहीं जाना है होता है तो एडजस्ट करके ही जाना होता है काम को। और बस पहले मैं सब्जी बना दूंगी, सब्जी वो ही सिंपल सा तरीका, सारे मसाले वगैरह पहले प्याज फ्राई कर लिए, टमाटर कर लिए, फिर फ्राई करने के बाद उसमें डाल लिए सारे मसाले, और ग्रेवी तैयार करने के बाद फिर उसमें डाल दूंगी राजमा। राजमा मैंने पहले ही रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक राजमा उबला था तब तक मैंने झाड़ू वगैरह जो सुबह के काम होते हैं सारे वो कर लिए थे, बिस्तर वगैरह उठा दिए थे। तो यहाँ मैंने राजमा डाल दिया, अब बस इसको पकने के लिए रख दूँगी, फिर आटा बना लूँगी साथ साथ, तो आटा भी रख दूँगी बना के। तो इसी तरीके से एडजस्ट होते हैं सारे काम, सुबह की भागम दौड़ में पूरा टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो सब्जी बन के तैयार होगी, खाना आटा मैंने बना दिया, और अब मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों को। सबसे पहले तो ईशू को ही करूँगी तैयार, क्योंकि ईशू नहा के आ चुकी थी, उसका पानी पुनी मैंने रख दिया था, वो नहा लेती है, फिर उसको कपड़े वगैरह मैं पहना देती हूँ। अभी मतलब इतने अच्छे से उससे पहने नहीं जाते, और कपड़े वगैरह पहनाने के बाद फिर उसकी बना दूँगी चोटी। तब तक गुड्डू भी आ जाएगी नहा के, वैसे कोई सी भी कर लेती है पहले ही। आजकल ईशू को शौक लगा हुआ कि दीदी से पहले मुझे तैयार होना, डेली ऐसे ही करती है कि मम्मा पहले मेरी चोटी बनाओ। तो ईशू को तैयार करने के बाद फिर गुड्डू ने भी ड्रेस वगैरह पहन ली थी, फिर गुड्डू को भी कर दिया है मैंने तैयार। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी हूँ रोटी उनके लिए, लंच तैयार करूँगी, उनको दे भी दूँगी नाश्ता। और आज गुड्डू की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको भी फीवर हो रहा, गुड्डू को भी वो यह, जब एक को हो जाता है ना घर में फिर सब सही सब में कोई निकलता है। तो गुड्डू को मैं बोल भी रही थी कि बेटे रेस्ट कर रहने दे, लेकिन मैंने रात भी दवाई दी थी, अब वो कह रही थी कि मम्मा आराम है, और फिर बच्चे वो ही है, काम छूट जाता है अगर रह जाते हैं घर में, तो इसलिए वो ना कर रही थी। और यहाँ मैंने फिर दोनों का पैक कर दिया है लंच, और बस उनको खाने के लिए भी दे दिया। और सुबह ही मुश्किल से आधी आधी रोटी खाती हैं दोनों, बिल्कुल भी एक बाइट भी ज़्यादा नहीं खाती, उस पर भी लड़ती रहती हैं दोनों की, ये मेरी ज़्यादा होगी तेरी ज़्यादा, जैसा वो बिल्ली वाली बात नहीं होती, सेम ऐसे ही लड़ती हैं। और यहाँ लंच वगैरह रख दिया इसके पापा ने, अब जाएंगे छोड़ने इनको। यहाँ इसके पापा जा ही रहे थे कि गुड्डू के चाचू आ गए थे, वे बच्चों को छोड़ने गए थे प्यूरुई को, तो मैं बोल के चले गए थे कि मैं आ रहा तो मैं लेता जाऊँगा स्कूटी पे। और उधर ही जिधर ये रहते हैं ना भैया और प्यूर, तो उधर ही आती है इनकी बस, उधर ही है स्टॉप, तो भैया इनको लेके जा रहे हैं स्कूटी पे ही। तो बस अब इसके पापा भी जाएंगे, इनको भी उधर ही जाना है कुछ काम से, तो वे पैदल चले जाएंगे, और बच्चे जा रहे हैं अपने चाचू के साथ। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 8, 5 मिनट रहेगी और मैं तैयार हो गई हूँ, आप देख भी रहे होंगे, और घर का मैंने सारा काम कर लिया। और आपको बता दूँ, मुझे जाना है आज पीजीआई। पीजीआई क्यों जाना है? मेरी मौसी जी जाएंगी उनके साथ, हमें उधर आई हुई है, इंदु के पास है रात से वहीं रुके हुए, तो मैं अब पीजीआई जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊँगी। गुड्डू के पापा भी अभी उधर ही गए हुए, अभी तो मैं ही हूँ यहाँ। और कन्हैया अभी लेट रहा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा, और बच्चे स्कूल चले गए, तो मुझे वहाँ जाना है, तो इसलिए फटाफट से मैं तैयार हो चुकी हूँ। और जो घर का काम था मैंने सारा ऑलमोस्ट कर लिया है, साफ सफाई कर ली, एक बार झाड़ू निकाल दी, और किचन वगैरह की क्लीनिंग कर दी है, और नाश्ता भी मैंने बना दिया, क्योंकि अभी तो ये नहाए धोए नहीं, जब उठेंगे कर लेंगे। कन्हैया उठेगा और गुड्डू के पापा उधर गए हुए, तब आएंगे तब कर लेंगे, और मुझे भी करके जाना। और बस इसीलिए जो रह गया काम वो आके आंटी कर लेगी झाड़ू पोछे का, एक बार तो झाड़ू मैंने निकाल दिया है, बाकी एक बार आंटी आएगी, वो झाड़ू पोछा साफ सफाई बर्तन वगैरह सारा कर देगी।
तो इसीलिए फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ। देखती हूँ कितनी देर में आएंगे वे आने वाले, काफ़ी देर से फोन आया था तो फटाफट से मैंने जल्दी उठ के, आज सुबह 5 बजे उठ गई थी तो फटाफट से उठ के सारा काम कर दिया, बच्चों को भेज दिया, घर का नाश्ता वगैरह सब बना के तैयार कर दिया। तो बस अब मैं करूँगी नाश्ता, पूजा भी मैंने कर ली है वहाँ पर, और बस अब मैं नाश्ता करूँगी। देखती हूँ उनको कॉल करके कितनी देर लगेगी, इनको कितना टाइम लगेगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ देखिए आ गई है मेरी मौसी इनके साथ, तो अब बस मेरा भी काम हो चुका है सारा। और देखिए बहुत दिनों बाद आई मेरी मौसी यहाँ पे, पता नहीं कितने साल में आई होगी, और आपने पहचान ली होगी, ये रामपुर भी मिली थी मुझे, और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। वीडियो में तो घर बहुत बड़ा दिखता है तुम्हारा, है ना? हाँ, वीडियो में ऐसा लगता है बहुत स्पेस, बहुत ज्यादा अंदर। जब मैं पहले आई थी तब भी तुम ज्यादा बड़ा नहीं था घर तुम्हारा। कब आई थी? जब मम्मी बीमार थी वो, जब तो ये पुराना वाला था, तो ये तो मुझे दोबारा बनाया था, तब ज्यादा बड़ा लगता था। ये सारा खुला था पहले तो, ये फिर दोबारा बनवाया था मैंने। पहले मुझे ऐसा लग रहा था इधर भी रूम थे, सामने भी रूम थे। नहीं, ये वाला तो एक था, ये यहाँ तक था बड़ा, और यहाँ का छोटा गेट था इधर, अब ये बड़े वाला इधर था पहले, अब ये खुला था सारा, ये फिर दोबारा खुला। सीधी चलना, बिल्कुल सीधी, देख लो मुझे ना। हाँ यार, तो जी चलते हैं, हम दोनों हो गए तैयार, मैं और मौसी दोनों। हाँ जी, तो अब चल दिए हैं हम यहाँ से, और यहाँ मौसा जी भी हैं, नीरज भैया भी हैं, और मैं और मौसी। तो हम जा रहे हैं PGI, मौसी को दवाई लेनी थी वहाँ से, और कल भी गए थे ये, तो कल थोड़ा लेट हो गए थे, तो आज इनको टेस्ट वगैरह करने, और भैया और मौसा जी जाएंगे कहीं और काम है इनको, तो इसलिए हॉस्पिटल ये हमें छोड़ देंगे, तो वहाँ पर मैं और मौसी दोनों जाएँगे, वहीं पर अपना काम कर लेंगे। देखिए PGI हम पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं चारों साइड कितनी भीड़ है। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, चारों साइड भीड़ ही भीड़। आप कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाओ, छोटे में चले जाओ, बड़े में चले जाओ, इतनी भीड़। और PGI का तो नाम ही अलग है, आपको पता ही है कि PGI में कितनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ पर एक लाइन में मैं लगी, एक में मौसी लगी, तब जाके हमारा नंबर आया। पहले जो टेस्ट वगैरह थे, इन्होंने पर्ची तो कल बनवा ली थी, तो उसकी जो फीस थी वो डिपॉजिट करनी थी, तो उसके लिए एक लाइन में मैं लगी, एक में मौसी, तब जाके कहीं हमारा 1-1.5 घंटे में नंबर आया। तो यहाँ बस टेस्ट करवाने के लिए मैं बैठी थी यहाँ पे, मौसी जा रही थी अंदर करवाने के लिए, तो मैं बाहर बैठी थी, और काफ़ी टाइम लग गया था हमें, 2-3 घंटे 3-4 घंटे लगभग लग गए थे, 12 ही बज गए थे। तो बस फिर टेस्ट वगैरह हो चुके थे, तो अब हम चलते हैं घर, और घर हम वापस आए हैं ऑटो में, क्योंकि वे तो हमें छोड़ के चले गए थे अपने काम के लिए, और बस अब हम चल रहे हैं पिंजौर। घर देखे पहुंच चुके हैं, और 1:15 के लगभग बज चुका था, और बस आके फिर पानी पुनी पिया, रेस्ट किया थोड़ी देर, फिर मौसी को जाना भी था, मतलब आप कहीं और जाना था इनको, इधर ही इसी साइड हिमाचल साइड ही, तो इसलिए फिर इसके पापा अब इनको लेके जाएंगे उधर इंदू के पास ही, उधर ही है मौसा जी आ गए थे, और नीरज भैया भी आ गए थे, तो वे सब उधर ही थे। तो यहाँ इसके पापा को कॉल किया है, तो तब तक हमने पानी पुनी पिया बैठ के, ज़्यादा देर नहीं रुके, आके थोड़ी देर रुकी, और यहाँ बस चल रही है हमारी बातें दोनों की। और आपको अगर मैं बताऊँ, आप यकीन मानिए, ये ना मेरी मतलब मौसी है सगी छोटी, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन, मेरी मम्मी यार हैं 5 बहनें, और आप देख के कह नहीं सकते, कोई भी देखता है ना, गुड्डू और ईशू भी बोलती है, ईशू तो बहुत बोलती है कि मम्मी नानी जी तो बुढ़ी होती है, ऐसी थोड़ा ही होती है, ये तो जवान है। तो बस वही है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है इनकी, और थोड़ा रहने सहने से भी फ़र्क तो पड़ता ही है, आपने देखा भी होगा। तो जी खैर, अब ये आगे इनको लेने के लिए अब जाएंगे।
तो जी आ गई है हम हॉस्पिटल से और मौसी चली गई है उधर हिंदू के पास, उनको कहीं और जाना है अभी, तो मौसा जी उधर ही चली गई, खाना उधर ही बना रखा हिंदू ने और बच गया है 1:30। तो अब मैं भी खाना बनाऊंगी। और आज देखिए मैं यहाँ नहीं थी, मैं तो चली गई थी लेकिन आंटी भी नहीं आई, पीछे से आई नहीं। और बर्तन वगैरह सारा देखिए ऐसे ही पड़ा सब कुछ। और अब बस इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया होगा दोनों भाइयों ने, कन्हैया ने भी और गुड्डू के पापा ने भी दोनों ने। तो अब सब्जी तो मेरी बनी हुई, सुबह राजमा बना दिया था ये रखा। तो अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी, थोड़ी सी रोटी पोंगी और बस अपना जो भी काम है सारा कर लूंगी, क्योंकि बर्तन वगैरह सारे ऐसे पड़े। पोछा तो अभी नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा दूंगी एक बार। और वैसे तो सुबह लगा दी थी, और ये दूध भी ऐसे ही रखा था, ये भी मैंने बॉईल कर दिया। और तो जी खैर लगती हूँ काम पे, 1:30 बज चुका है और बच्चे भी आ जाएंगे 3 बजे तक, तो फटाफट से लगती हूँ। और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और आपको आपसे मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। देखो कई दिन से, लगभग 1 महीना ही हो चुका है, आपके कमेंट आ रहे कि आपने अपनी बहन के घर पे कब्जा कर लिया और उसको घर से निकाल दिया। देखो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ना तो मेरा घर है और ना ही मेरी बहन का, ये हमारा पूरे परिवार का घर है। अभी तक हमारा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बट गया, वो मेरे मुझे मिल गया या मेरी बहन को मिल गया, ये जब मतलब सब कुछ मेरी सास का ही है। और जो ये घर है हमारा, हमारे ससुर ने खरीदा था, तो इसलिए प्लीज़ ये कमेंट करने बंद करें। ना तो मैंने अपनी बहन को निकाला और ना ही वो यहाँ से निकल के गई। जो भी हम जहाँ बाहर रहते हैं वो भी सबकी मर्ज़ी से रहते हैं, और जो हम इस घर में रहते हैं वो भी सबकी मर्ज़ी से ही रहते हैं। मतलब मैं इस घर में रह रही, वो भी पूरी फैमिली की मर्ज़ी है कि मैं यहाँ रह रही, और मेरी बहन बाहर रह रही, वो भी पूरी फैमिली की मर्ज़ी से ही बाहर रह रही। अब देखो एक ही रह सकता है, एक ही हमारे पास घर है, पूरी फैमिली तो हम एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि बड़ी फैमिली होगी तो एक को तो बाहर रहना ही है। और पहले मैं भी रही हूँ, अब वो रह रही, इसी तरीके से मतलब एडजस्टमेंट चलता आ रहा। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करें। और आपके ये कमेंट जो है ना, अगर आदमी के बीच में दरार भी ना आती हो ना, तो तब भी आ जाती है। और आपको पता ही है जो अच्छी बातें हैं वो तो कम आती है दिमाग में, और जो गलत बातें हैं वो ज़्यादातर दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो जी प्लीज़ इस बात को आप बार बार ना बोलें। मैं बहुत दिन से अवॉइड कर रही कि ना बोलूँ इस बारे में, ना बोलूँ, लेकिन मुझे भी दुख होता है जब आप बोलते हो ना कि अपनी बहन को घर से निकाल दिया और अपने आप उसके घर पे कब्जा करके बैठ गई। ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इसमें ना घुसें। तो जी बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसे कमेंट ना करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे हमें भी पढ़ के खुशी होती है। अगर हाँ आपको कुछ कमी लगती है वो बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि टोंट मारो। सभी की बात है, अगर मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊंगी वो आपके माइंड में नहीं आएगी, लेकिन गलत बताओगे तो वो एकदम आ जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये। खाना हमारा हो गया है, सबने खा लिया है खाना, और बस अब करेंगे रेस्ट थोड़ी देर। बच्चे अभी नहीं आए, 2:30 बज गए, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, 3 बजे तक आएंगे, तो रेस्ट करूँगी अब। और सर में भी दर्द हो रहा, कहीं जाते हैं ना और हॉस्पिटल वगैरह में तो ज़्यादा जाकर बुरा हाल हो जा, कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं वहाँ जाकर तो बस दिमाग ख़राब हो जा, एक इतनी भीड़ भाड़। तो बस मैं रेस्ट करूँगी, तो मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।